आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की अस्त्र 2 मिसाइल के बारे में। अस्त्र 2 भारत की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी। भारतीय वायुसेना के द्वारा अस्त्र मार्क 1 के ऑर्डर देने के बाद में अस्त्र मार्क 2 की राह साफ हो चुकी है। अस्त्र मिसाइल एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और अस्त्र मार्क 2 रेंज में अस्त्र मार्क 1 से ज्यादा होगी। अगर बात की जाए अस्त्र मिसाइल की रेंज की, तो आमतौर पर कहा जाता है कि अस्त्र मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रेंज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में। आमतौर पर जब जेट्स अपनी मिसाइल को फायर करते हैं तो या तो टारगेट उनके तरफ आ रहा होता है या उनसे दूर जा रहा होता है। जब आपका टारगेट एयरक्राफ्ट आपके तरफ आ रहा होता है तो इसको हेड ऑन कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जब आप मिसाइल को छोड़ते हैं तो वो टारगेट एयरक्राफ्ट को उसकी इनिशियल पोजीशन से काफी ज्यादा आगे पाती है और मिसाइल इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर टारगेट करती है। ऐसी स्थिति में इस मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है। अस्त्र मिसाइल के केस में अस्त्र मिसाइल की रेंज 110 किलोमीटर है हेड ऑन में। वहीं अगर बात की जाए चेज की, यानी कि अगर एक एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है और आप उसका पीछा कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब आप मिसाइल छोड़ेंगे तो ये मिसाइल जब एयरक्राफ्ट पर जाकर लगेगी तब तक ये एयरक्राफ्ट उस पोजीशन से काफी ज्यादा आगे आ चुका होगा जिस पोजीशन पर आपने मिसाइल छोड़ी थी। इस कारण आपके मिसाइल की रेंज यहाँ पर कम हो जाती है। प्रैक्टिकली मिसाइल की रेंज वही रहती है, लेकिन जो इम्पैक्ट पॉइंट आगे और पीछे होता है उसके वजह से आपको रेंज हेड ऑन और चेज में अलग अलग मिलती है। अस्त्र मार्क 1 की चेज में रेंज 60 किलोमीटर की है और इस हिसाब से इसकी प्रैक्टिकल रेंज तकरीबन 85 किलोमीटर की है। इस मिसाइल के नोज कोन में एक छोटा सा रेडार होता है और क्योंकि ये रेडार काफी छोटा होता है और इसको बैटरी से पावर किया जाता है, इस वजह से इसकी रेंज लिमिटेड होती है। लेकिन आमतौर पर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल की रेंज ज्यादा होती है और इसी वजह से इसमें कॉम्बिनेशन गाइडेंस का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में ये मिसाइल इनर्शियल नेविगेशन का प्रयोग करती है और टर्मिनल फेज में ये अपने एक्टिव रेडार को ऑन करती है, जिसके कारण इनकी रेंज काफी हद तक बढ़ जाती है। वहीं अगर बात की जाए इनके प्रोपल्शन सिस्टम की, तो अस्त्र मिसाइल में सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये रॉकेट मोटर एक बार ऑन हो जाती है उसके बाद जब तक पूरी जल नहीं जाती तब तक ऑन रहती है और इसी कारण इस मिसाइल की रेंज लिमिटेड होती है। एक लिमिट के बाद में आपको स्पीड की नहीं रेंज की आवश्यकता होती है, लेकिन ये रॉकेट मोटर कंटिन्यूसली जलती जाती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए ड्यूअल पल्स का प्रयोग किया जाता है। ड्यूअल पल्स में दो मोटर्स होती हैं और शुरुआत में जब एक मोटर ऑन होती है तो ये मोटर मिसाइल को मैक्सिमम स्पीड तक ले जाती है। क्योंकि ये मिसाइल मनूवर नहीं कर रही होती है, इस वजह से इस मिसाइल को ज्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है और इस समय रॉकेट मोटर को बंद किया जा सकता है। जब मिसाइल अपने टारगेट के आसपास पहुंचने लगती है और आपको थ्रस्ट की आवश्यकता होती है तो दूसरी पल्स ऑन कर दी जाती है। अगर आप इसको आसान भाषा में समझें तो इस तरीके की मिसाइल्स में आपके पास दो फ्यूल टैंक्स होती हैं। शुरुआत में आप पहली फ्यूल टैंक से फ्यूल को यूज करते हैं और एक मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद आपको ज्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं होती है और आप अपना इंजन बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप टारगेट के पास पहुंचने वाले होते हैं तो आपकी मिसाइल को मनूवर करने की आवश्यकता होती है, जिसके वजह से इसको थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, जहां पर आप दूसरी फ्यूल टैंक से फ्यूल यूज करके वापस से इंजन को ऑन करते हैं। इस तरीके की मिसाइल में दो पल्स चैम्बर होते हैं। शुरुआत में पहला पल्स चैम्बर ऑन किया जाता है और उसके बाद पल्स सेपरेशन डिवाइस की मदद से पहले चैम्बर को अलग करके दूसरे चैम्बर को ऑन किया जाता है। इनफैक्ट जो रॉकेट मोटर का फिजिकल शेप होता है उसकी मदद से रॉकेट थ्रस्ट और मोटर बर्न टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से इस मिसाइल की रेंज ऊपर या नीचे हो सकती है। आइए समझते हैं इनके फिजिकल शेप्स को और इसके इम्पैक्ट को। जिस तरीके का शेप अभी आपको स्क्रीन पर रेड कलर से दिख रहा है, इस शेप के कारण एक रॉकेट मोटर शुरुआत में काफी तेजी से थ्रस्ट जनरेट करती है और उसके बाद ये थ्रस्ट एक स्टेडी रेट से धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है और फाइनल फेज में ये थ्रस्ट एकदम से नीचे आ जाता है। इस तरीके का शेप आमतौर पर टर्मिनल फेज में मिसाइल को काफी मदद करता है। अभी जो शेप आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का शेप शुरुआत में काफी तेजी से
बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है और उसके बाद ये थ्रस्ट धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता चला जाता है। फाइनल फेज में ये थ्रस्ट एकदम जीरो हो जाता है और ये मिसाइल अपनी एनर्जी लूज करने के बाद में गिर जाती है। ये जो तीसरा शेप अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के शेप के कारण मिसाइल शुरुआत में धीरे धीरे थ्रस्ट इंक्रीज करती है और उसके बाद ये थ्रस्ट रिटेन्ड रहता है। ये कांस्टेंट थ्रस्ट आमतौर पर इस मिसाइल की पूरी रेंज तक रहता है और उसके बाद ये एकदम से कम हो जाता है, जिसके बाद ये मिसाइल अपनी एनर्जी खत्म करके गिर जाती है। आमतौर पर इस तरीके का मोटर शेप फर्स्ट स्टेज में यूज किया जाता है। अभी जो शेप आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के शेप के साथ मिसाइल एकदम से थ्रस्ट इंक्रीज करती है और उसके बाद ये थ्रस्ट कम हो जाता है। कम होने के बाद में ये थ्रस्ट मेंटेन रहता है और ये थ्रस्ट पूरी तरीके से मिसाइल की पूरी रेंज तक मेंटेन रहता है। अभी जो शेप आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के शेप के साथ में मोटर पहले थ्रस्ट काफी तेजी से इंक्रीज करती है और उसके बाद ये इंक्रीज थ्रस्ट सस्टेन किया जाता है और ये सस्टेन्ड इंक्रीज थ्रस्ट ये मिसाइल अपनी पूरी रेंज के लिए मेंटेन रखती है, जिसके बाद ये थ्रस्ट एकदम से नीचे आता है और फाइनली ये मिसाइल अपनी पूरी एनर्जी खत्म करके गिर जाती है। ये जो मोटर शेप अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के शेप के साथ में ये मिसाइल शुरुआत में काफी तेजी से थ्रस्ट जनरेट करती है और उसके बाद ये थ्रस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मोटर्स एक बार स्टार्ट होने के बाद में बंद नहीं होती हैं और ये कंटिन्यूसली बर्न करती जाती हैं। इस वजह से ज्यादा एंड्यूरेंस के लिए ये अलग अलग तरीके के फिजिकल शेप्स ट्राई किए जाते हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप इनको चूज करते हैं। मीटियोर मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है। मीटियोर मिसाइल को आप एक तरीके का एयरक्राफ्ट मान सकते हैं। इस मिसाइल में एयर ब्रीदिंग रैमजेट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मिसाइल के दोनों साइड में एयर इनटेक होते हैं, जिस तरीके के एयर इनटेक आपको एयरक्राफ्ट्स में दिखाई पड़ते हैं। और इस मिसाइल में सेकेंड स्टेज एक रैमजेट होती है। आमतौर पर सभी इंजन्स का वर्किंग फॉर्मूला सेम होता है। इन इंजन्स में सामने की ओर से एयर को गैदर किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है। इस कंप्रेस्ड एयर के साथ में फ्यूल को मिक्स किया जाता है और उसके बाद कंबशन चैम्बर में कंबशन होता है। रैमजेट के केस में सामने की ओर कंप्रेसर फैन नहीं होता है और ये इंजन जीरो वेलोसिटी से, यानी कि जब मिसाइल की स्पीड जीरो है, वहां से शुरू नहीं हो सकता है। इसको शुरुआती बूस्ट की आवश्यकता होती है और ये शुरुआती बूस्ट आमतौर पर दूसरे इंजन से दिया जाता है। ये एक रॉकेट मोटर हो सकती है और उसके बाद केवल इस इंजन के शेप के कारण सामने से आ रही एयर कंप्रेस्ड हो जाती है, जिसके साथ में फ्यूल को मिक्स किया जाता है और ये मिक्स्ड फ्यूल कंबशन चैम्बर में जाता है, जहां पर कंबशन होता है और थ्रस्ट जनरेट होता है। इंडिया के पास में ये टेक्नोलॉजी है। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के टेस्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं और इसी के ऊपर एक एयर टू एयर मिसाइल बनाई जा सकती है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के ऊपर जो नई मिसाइल बनाई जाएगी वो क्या अस्त्र मार्क 3 होगी या मार्क 2, क्योंकि अगर डुअल पल्स मोटर वाली अस्त्र मार्क 2 होगी तो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के साथ में अस्त्र मार्क 3 हो सकती है। वैसे अस्त्र के केस में टेस्टिंग से लेकर इंडक्शन के बीच में समय केवल 3 साल का लगा है। टचवुड इस हिसाब से अगले 3 साल में अस्त्र मार्क 2 बनके तैयार हो जानी चाहिए। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।